आज है 5 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रीवा जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द शुरू हो सकती है सेवा। अब मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों को हाई स्पीड और लग्जरी वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भोपाल और इंदौर से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके तहत भोपाल और झांसी के बीच तथा जबलपुर के रीवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होने के बाद लोगों का सफर काफी आरामदायक हो जाएगा, वो डायरेक्ट भोपाल और इंदौर का सफर तय कर सकेंगे। संविदा के बाद 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी लामबंद हुए, 6 को भोपाल में जुटेंगे। संविदा के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम कर रहे 10 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 30 से अधिक संगठनों की लामबंदी के साथ ये कर्मचारी 6 अगस्त को भोपाल में जुटने जा रहे हैं। इनकी सरकार से मांग है कि समान पद समान वेतन के साथ समकक्ष पद पर संविलियन हो, साथ ही महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले। मध्य प्रदेश जनसेवा मित्र के पद पर चयनित युवाओं को सीएम शिवराज सिंह ने दिया नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के पदों पर युवाओं को नियुक्त किया गया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने की पहल है। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जनसेवा मित्र के पदों पर चयनित युवाओं को सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल के लाल ग्राउंड में नियुक्ति पत्र और प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी सौंपी। लगातार वर्षा के कारण बरगी बांध के गेट 15 से बढ़ाकर 19 खोले गए, नर्मदा किनारे अलर्ट जारी। जबलपुर मंडला और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से नर्मदा नदी में बना बरगी बांध लबालब हो चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बरगी बांध प्रबंधन ने खोले गए गेटों की संख्या बढ़ा दी। गुरुवार रात 8 बजे जहां 15 गेट खोले गए थे, तो शुक्रवार को बांध के 4 गेट और खोल दिए गए। इस तरह से बांध के 19 गेट खोले जा चुके हैं। इस वजह से नर्मदा के सभी निचले घाटों पर तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है। बिना अनुमति कोई भी अधिकारी निजी संस्थाओं से नहीं लेंगे पुरस्कार। मध्य प्रदेश में अब कोई भी आईएएस अधिकारी किसी भी निजी संस्था से तब तक पुरस्कार नहीं लेंगे जब तक उन्हें इसकी अनुमति शासन से नहीं मिल जाती। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। जनसेवा मित्रों से सीएम शिवराज का संवाद, बोले 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि मामा से कोई परेशानी तो नहीं, मामा के साथ काम करके मजा आया, बोले मुझे भी बहुत मजा आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लोकार्पित करूंगा, इसमें बैंक कर्ज देगा और गारंटी एवं अनुदान मामा देगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना है। आई फ्लू पर बारिश से लगेगा ब्रेक, 2 दिन में कम हुए केस। आई फ्लू की रफ्तार पर बारिश अंकुश लगाएगी। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से वातावरण में ठंडक आई। नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश हर दिन होती रही तो आई फ्लू का प्रकोप कम होगा। अभी कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को आई फ्लू चपेट में ले रहा है, जिसके चलते दवाओं का बाजार गर्म हो चुका है। 6 साल बाद आई फ्लू ने वापसी की, इससे आई ड्रॉप की 70% मांग बढ़ गई है। ग्वालियर को 14 नए डीएसपी मिले, 9 का हुआ तबादला। मध्य प्रदेश द्वारा 252 उप पुलिस अधीक्षकों की स्थानांतरण सूची जारी की गई, जिसमें ग्वालियर में पदस्थ 9 अधिकारियों का स्थानांतरण दीगर जिलों में हुआ, जबकि 14 उप पुलिस अधीक्षक ग्वालियर स्थानांतरण के बाद आ रहे हैं। चुनाव से पहले पुलिस महकमे में फेरबदल शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते स्थानांतरण सूची जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2, बिना परीक्षा सरकारी नौकरी करने का दूसरा मौका। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ से मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बिना परीक्षा सरकारी नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र में पहला चरण पूर्ण हो चुका है और अब 4 अगस्त 2023 से दूसरे चरण प्रारंभ किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
इंतजार के बाद भी वन सेवा में नहीं बढ़े पद, अब परिणाम जारी करने की तैयारी। राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 में पद बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई। शासन की ओर से रिक्तियां बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को जवाब नहीं मिला। पद बढ़ने की उम्मीद में पीएससी ने 20 दिनों से ज्यादा समय से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम रोक रखा है। अब आयोग ने परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। कोयला खानों की नीलामी से मिले 188 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिए। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी से प्राप्त 188 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दे दिए। इस राशि से प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। कोयला खदानों को नीलामी में भाग लेने वाले सफल निविदाकारों ने कोयला मंत्रालय को अग्रिम राशि की पहली किस्त जमा कर दी है। शेष 3 किस्तें बोलीदाताओं द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकारों को जमा की जाएंगी, जिससे प्रदेश के विकास में योगदान और बढ़ जाएगा। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा ने पेड़ काटने का किया विरोध। रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को बचाने का लिया संकल्प। इंदौर शहर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। बता दें कि किला मैदान में खाली जमीन है, जहां नगर निगम के निर्देश पर 50 से अधिक विशाल पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न संगठन भी अब इसके विरोध में उतर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व भी यहां 50 से अधिक विशाल नीम, बरगद, पीपल, जामुन और अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जिसका विरोध भाजपा नेता मनोज मिश्रा द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। करना चाहते हैं विदेश में पढ़ाई, मध्य प्रदेश सरकार दे रही लाखों रुपए की स्कॉलरशिप। विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्र छात्राओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना शुरू की। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों का सपना शिवराज सरकार पूरा करेगी। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाखों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में भारी वृद्धि, आदेश जारी, नए वेतनमान का मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए जुलाई और अगस्त महीना बेहद सार्थक साबित हो रही है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की गई, इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया, वहीं अब उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, जबकि अन्य कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इनके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। कर्मचारियों के वेतन में 1000 से लेकर 10000 तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। बारिश में बढ़ने लगे डेंगू के मरीज, रतलाम में मिले 5 पॉजिटिव। जिले में वर्षा शुरू होने के साथ ही डेंगू के मामले सामने आने लगे। इस वर्ष अब तक कुल 6 मरीज मिले, जिनमें से एक उज्जैन जिले के खाचरौत का और शेष 5 रतलाम से हैं। डेंगू पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। जून व जुलाई माह में कभी रिमझिम व कभी तेज वर्षा के बाद घरों के बाहर, उद्यानों, सड़कों के आसपास, पोखर आदि में पानी जमा हो गया, इससे डेंगू के मच्छर पैदा होने लगे हैं। चीता परियोजना में एक्शन प्लान पर ही चलेगी मध्य प्रदेश सरकार। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लगातार मौत से डिगे बिना केंद्र व राज्य सरकार चीता एक्शन प्लान पर कायम रहेगी। चीता एक्शन प्लान में स्पष्ट है कि एक साल में 50% चीते जिंदा बचते हैं तो परियोजना सफल मानी जाएगी। वन अधिकारियों का कहना है कि अगली सर्दी तक स्थिति में सुधार आएगा और यहां पैदा होने वाले शावक जब एक साल के हो जाएंगे तो परियोजना सफलता की ओर बढ़ेगी। इसलिए एक्शन प्लान के अनुसार चीता परियोजना पर काम होता रहेगा। कच्चे माल के बाद अब दवाओं पर भी QR कोड लगाना हुआ अनिवार्य। अब घरेलू बाजार में बिकने वाली सभी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। दवाओं के कच्चे माल पर बारकोड QR कोड लगाने की व्यवस्था का नियम केंद्र सरकार बीते साल ही लागू कर चुकी थी। वर्तमान में जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भारत में बनता है या इम्पोर्ट होता है, दोनों पर QR कोड अनिवार्यता से कंपनीज के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका फायदा ये होता है कि फार्मा रॉ मटेरियल के नकली बनने व बिकने की संभावना समाप्त हो जाती है। मी में 23,000 सीट आवंटित, 1200 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीई, बीटेक, एमबीए व फार्मा में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है। बीई में प्रवेश के लिए गुरुवार को काउंसलिंग के प्रथम चरण में 22,992 सीट्स का आवंटन कर दिया गया। आवंटन के पहले दिन 1246 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रथम चरण में 28,496 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराकर 24,794 ने च्वाइस फिलिंग की थी। आवंटन पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर प्रवेश लेना होगा। YouTube पर गदर एक प्रेम कथा, हिल गया पाकिस्तान।
11 अगस्त को सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर ने इसका पहला पार्ट गदर एक प्रेम कथा यूट्यूब पर डाल दिया। खास बात यह है कि फिल्म पाकिस्तान में बैन थी, लेकिन यूट्यूब पर रिलीज होते ही पाकिस्तान में गदर मच गया। वहां के लोग इस फिल्म को खूब देख रहे हैं। पाक यूट्यूबर्स फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कईयों ने कहा कि फिल्म देखकर हिल गए, रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, आने लगे पैसे। सहारा निवेशकों का वर्षों का इंतजार आज खत्म हो गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। बता दें कि बीती 18 जुलाई को गृह मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए निवेशकों के पैसे वापस दिए जा रहे हैं। ई रिक्शा से होगी माता टेकरी पर परिक्रमा व दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था। माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नई व्यवस्थाएं होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में टेकरी पर परिक्रमा व दर्शन के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति करेगी। इसके पहले टेकरी पर वाहनों के चढ़ने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। वहीं टेकरी पर शरण को रोकने के लिए नए सिरे से जाली लगाने का काम होगा और सघन पौधारोपण भी टेकरी बचाने के लिए किया जाएगा। इंदौर के जीएससीसी कॉलेज ने पहले परीक्षा नहीं करवाई और अब 20,000 जुर्माना भरने से इनकार। विद्यार्थियों के परीक्षा न करवाने पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सरकारी कॉलेज पर कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, मगर कॉलेज ये राशि भरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मौखिक रूप से तर्क देने में लगा हुआ है कि जब स्टाफ परीक्षा करवाने बैठा था मगर छात्र छात्राएं नहीं पहुंचे। हालांकि अब अधिकारियों ने यह जवाब अब कॉलेज से लिखित में मांगा है, पर प्राचार्य की तरफ से कोई पत्र विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। मतदाता सूची को लेकर सदर कांग्रेस, बूथ पर बैठेंगे बीएलए, कमलनाथ ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी स्तर पर सतर्कता बरत रही है। सभी मतदान केंद्रों पर एक माह तक निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ पार्टी के बूथ लेवल एजेंट बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पदाधिकारियों से कहा कि वे मतदाता सूची के काम को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी रह गई तो पार्टी को उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में किया ऐसा ऐलान, सुनकर किसानों की हुई बल्ले बल्ले। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से खरीफ सीजन की बुआई के लिए बेहतर डेटा कलेक्शन के लिए ये योजना शुरू की गई। पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर योजना को 12 राज्यों में शुरू किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने खरीफ 2023 से 12 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को पायलट के तौर पर लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि डीसीएस को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में तैयार किया गया है। किसानों को मिली खेत खलिहान से उपज बेचने की सुविधा, 2% से अधिक न काटा जाए कमीशन। प्रदेश में किसानों का आज उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वे अब खेत खलिहान से उपज बेच सकते हैं। मंडियों में उपज की आवक बढ़ी, जिससे आय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि मिली। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण जयंती महोत्सव में कही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के परिश्रम से प्रदेश ने 7 बार जीता है कृषि कर्मण पुरस्कार। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।